संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे रखे सो सो यज्ञ समान। जी हाँ, ये पंक्तियाँ लिखने वाले अद्भुत कवि, लेखक और दुनिया के सबसे बड़े आलोचक माने जाने वाले कबीर साहेब, आज कबीर साहेब का 625वां प्रकट दिवस मनाने की तैयारियां मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, जो अब आध्यात्मिक राजधानी बनने जा रही है, वहां पर जोर शोर से कल शुरू हो चुका है। ये इंदौर उज्जैन हाईवे पर ग्राम किठौदा है, जहां पर लगभग 10-12 बीघा के अंदर ये पूरा आश्रम बना हुआ है, बिल्कुल नया है, इसकी ओपनिंग अभी शुरू ही हुई है। और यहाँ पर लाखों की तादाद में न केवल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों से यहाँ पर आम संगत आ रही है। अभी हम आगे की ओर चढ़ते हैं और आप ये देख सकते हैं बगल से कितनी सारी ये जो जनता है ये निकल रही है, बड़े ही आसानी से, किसी प्रकार की इनको कोई परेशानी नहीं हो रही है। ये है मुख्य द्वार, इस मुख्य द्वार पर लिखा हुआ है 625वें कबीर साहेब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में संत गरीबदास जी महाराज की अमरवाणी का अखंड पाठ, ये सतलोक आश्रम किठौदा इंदौर मध्य प्रदेश में हो रहा है। एक कई किलोमीटर लंबा तांता लगा हुआ है, किसी मंदिर मस्जिद मठ के बाहर आपने ये जो जिस प्रकार की भीड़ दिखाई देखी होगी, जिस प्रकार के श्रद्धालुओं का हुजूम जो उमड़कर आपने देखा होगा, वही हुजूम इस पूरी 1-2 किलोमीटर की जोड़ रोड है वहाँ पर दिखाई दे रहा है। वाहनों से पूरा हाईवे पटा पड़ा हुआ है, यहाँ पर समुचित व्यवस्थाएँ की गई हैं। अब आगे की ओर हम लेकर चलते हैं आपको और बताते हैं यहाँ के अंदर की जो तस्वीरें हैं वो कैसी निकल कर सामने आ रही हैं। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और आप ये देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे की तरफ, यहाँ पर तमाम हजारों लोग जो हैं चलते चले आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। कहाँ से आए आप? हम MP से आए, जिला बैतूल। जबलपुर जिले से। जबलपुर से आए हैं तो आप ये देख सकते हैं कोई जबलपुर से आ रहा है, कोई बैतूल से आ रहा है, भिवंडी से आ रहे हैं और जालना से आ रहे हैं, उड़ीसा से भी आ रहे हैं, तमाम राज्यों से यहाँ पर जो जनता है वो चली आ रही है। और कहा भी जाता है संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे रखे सो सो यज्ञ समान, और ये सो सो यज्ञ के समान इनका ये पुण्य लाभ मिल रहा है। ये है ग्राम किठौदा का सतलोक आश्रम का मुख्य द्वार, जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग प्रवेश कर रहे हैं और हजारों की संख्या में प्रसादी प्राप्त करके अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं। जो घर की ओर रवाना हो रहे हैं वो ये लोग हैं, काफ़ी दूर दूर से आए हैं। कहाँ से आए आप? नागपुर। नागपुर से। आप कहाँ से आई माता जी? जबल। कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अरे खुश हो गई आत्मा, खुश हो गई आत्मा, तीर्थ हो गया, तीर्थ हो गया। तो ये है जबलपुर से आई माता, जो बता रही हैं कि उनके लिए ये आश्रम एक तरीके से तीर्थ है और यहाँ का जो अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ वो किसी तीर्थ से कम नहीं है, क्योंकि गुरु का धाम सबसे बड़ा धाम होता है। आप ये देख सकते हैं, ये पूरा सामने का दृश्य है आश्रम के, जहाँ पर तमाम वॉलेंटियर्स यहाँ की सारी सेवाओं को संभाल रहे हैं। सेवाओं के संभालने के साथ साथ जितनी भी संगत जो है, जो आ रही है जा रही है, उनको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो, उसका खास ख्याल रखा जा रहा है। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर अन्य काफ़ी सारी गतिविधियाँ भी हो रही हैं। ये पूरा गेट है किठौदा आश्रम का। अब हम अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, अंदर से आपको दिखाएंगे क्या ताज़ा हाल है सतलोक आश्रम इंदौर के। ये मुख्य द्वार पर इस शुरुआत में ही आपको, जैसे ही आप दूर से आते हैं, आप अपने जूते चप्पलों को यहाँ पर उतार सकते हैं। ये पूरा जूता घर है, आप ये देख सकते हैं। नज़दीक से देखिए, यहाँ पर जूते रखे जाते हैं लोगों के द्वारा, जिससे कि उनको किसी प्रकार की अन्य परेशानी ना हो। अब हम आगे की ओर चलते हैं, यहाँ पर आपके प्रवेश करते ही यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप, मतलब रक्तदान महादान की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। और ये जो पूरी गाड़ी है, ये मॉडल ब्लड बैंक महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सालय महाविद्यालय चिकित्सालय जो इंदौर में है, उसके नेतृत्व में ये जो पूरी गाड़ी आई है। और इस यहाँ पर जो रक्तदान महादान जो शिविर लगाया जाएगा, इस कैंप के अंदर बताया जा रहा है कि 200-300 यूनिट तो बहुत थोड़ी सी बात है, यहाँ पर 1000-2000 लोगों को यहाँ पर रक्तदान दिलवाने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। हालांकि आयोजक तो ये कह रहे हैं कि ये गाड़ी भी काफ़ी छोटी पड़ेगी। जब भी हम ये लाइव शुरू होने से पहले बातचीत कर रहे थे, वो कहते हैं गाड़ी बहुत छोटी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो दानदाता हैं, जो रक्तदान दाता हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो अब ये जो रक्तदान की जो पूरी लाइन अभी से लगने लगी क्या?
हाँ, ये काफी समय से लगी हुई है और हमारा टारगेट है कि 1000 से 2000 यूनिट रक्तदान हो जाए इसके अंदर। मैंने जब ये शुरू हो रहा था लाइव, उससे पहले बातचीत की थी तो बता रहे थे कि ये तो काफी छोटी पड़ जाएगी गाड़ी, क्योंकि दानदाताओं की संख्या कुछ ज्यादा है, ऐसा ही है क्या? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, क्योंकि गाड़ी छोटी पड़ेगी, पर क्या करें, थोड़ा सा समस्या इनके साथ में भी है, ब्लड बैंक वालों के साथ में, उनकी गाड़ियाँ और कहीं बुक थी, तो हम एक गाड़ी की व्यवस्था करा सकते हैं अभी आप। लगभग आपका जो एक पूरा लक्ष्य है वो कितना है, 1000, 2000, 5000, कितने का लक्ष्य आपने रखा है? तो 2000 का लक्ष्य है, बाकी जो भी मालिक करवा दे, इसके ऊपर हो जाए या कम हो जाए, जो भी मालिक करा दे, बाकी 2000 तो हम करके ही रहेंगे। तो आज ये पूरी जो गाड़ी है यहाँ शाम तक रुकेगी और जो डॉक्टर्स के नेतृत्व में यहाँ पर इन सभी लोगों का रक्त लिया जाए। बिल्कुल, ये गाड़ी शाम तक रुकेगी और जितनी उनके कने व्यवस्था आप देखें, उनके कने क्या व्यवस्था रहती है अभी समय पर पता चलेगा। अपने कने तो ब्लड देने वालों की कमी नहीं है, परमात्मा की दया से बहुत ब्लड देने वालों की कमी नहीं है, कमी कहीं ना कहीं प्रबंधन की ओर से है, जो अस्पताल का प्रबंधन है। हालांकि ये भी एक बहुत बेहतरीन कार्य है, आज की दुनिया में लोग अपना वक्त नहीं देते, यहाँ पर खून देने की बातें की जा रही हैं और दिया भी जा रहा है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की व्यवस्थाओं को देखते हैं, किस तरीके से पंडाल के अंदर सत्संग कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, बड़ी ही अनुशासित होकर ये पूरी लाखों की जनता बैठी हुई है, और यहाँ तक कि न सिर्फ बैठी हुई है, यहाँ पर तमाम गतिविधियों में वो इंक्लूड है, संलिप्त है। यहाँ पर भंडारा हो रहा है, यहाँ पर रेमेडियों की तैयारियाँ चल रही हैं, यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, यहाँ पर अन्य सेवाएँ संचालित हो रही हैं। और आप ये देख सकते हैं, इतनी ऊँचाई से आपको ये पूरा दिखाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि यहाँ की आप विशालता को देखें। चाहे कोई अन्य कार्यक्रम हो जहाँ पर हजारों लाखों की संख्या अगर जुट जाती है तो वहाँ पर अव्यवस्थाएँ फैल जाती हैं। तो आइए अंदर पंडाल के अंदर देखते हैं वहां की क्या तस्वीरें हैं। ये है सतलोक आश्रम किठौदा इंदौर का मुख्य प्रांगण। इस पंडाल के अंदर हजारों लाखों की तादाद में जो जनता है वो प्रवेश कर रही है, सेवादारों के द्वारा उनको व्यवस्थित किया जा रहा है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? एमपी जबलपुर। कहाँ से? इंदौर। इंदौर से। कैसा लग रहा है, किस प्रकार का, थोड़ा नजदीक आइए। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ की जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो कैसी लगी? बहुत अच्छी लग रही है मुझे, मेरी उम्र में मतलब फर्स्ट टाइम ये इतना नज़ारा देख रहा हूँ। बहुत क्या नाम है आपका? मेरा त्रिलोक चंद्र झारिया है। अच्छा, आपके इंदौर में ये पहला कार्यक्रम इस आश्रम का होने जा रहा है, तो जनता में किस प्रकार की आकांक्षाएं हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इतना बड़ा आश्रम है, लाखों की जनता बाहर से आ रही है, कैसे दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे, प्रश्न कैसे चल रहे हैं? देखिए क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम जब कोई फंक्शन होता है कहीं पर और ज़्यादा मतलब पब्लिक सिटी ज़्यादा होती है तो लोगों को सोचने में आता है कि यार है क्या चीज़, पहले जानने की कोशिश होती है कि है क्या, और मतलब उससे जागरूकता ये मिलती है कि यार कुछ ना कुछ तो है, कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है, इस वजह से इतनी भीड़ हो रही है, और कहीं ना कहीं ये सच्चाई को जानने के लिए लोग बहुत मतलब सच को जानने के लिए आ पाए। संत रामपाल जी के नेतृत्व में ये सारा कार्यक्रम कैसा लगा? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक नंबर। ये थे त्रिलोक चंद झारिया जो इंदौर से आए थे और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि उनको बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये पूरी बहन जो माताएं बहनें हैं, जो महिला हैं, उनके लिए एक अलग व्यवस्था की गई है, और इधर ये पुरुषों की लाइन है जहाँ पर तमाम लोग आ जा रहे हैं। और इस पूरी भीड़ के अंदर कहें या श्रद्धालुओं का जो हुजूम है, जो तांता है, वो ये बता रहा है कि लोग काफ़ी प्रसन्न हैं। अब ये देख सकते हैं, ये थोड़ा महिलाओं की तरफ मैं दिखा रहा हूँ, ये महिलाएं बैठी हुई हैं। तो ये हैं भोपाल से, कोई सूरत से, कोई मंडला से, बालाघाट से, और आप ये देख सकते हैं आसपास आपको तमाम राज्यों के लोग मिलेंगे। तमाम जो दीवारें हैं वहाँ पर कबीर साहब से जुड़ी हुई जो लीलाएँ हैं उनकी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। और हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने के साथ साथ तस्वीरें बदल रही हैं और तस्वीरों के बदलने के साथ साथ नए नए संदेश भी दिखाई दे रहे हैं। और ये पता चल रहा है, ये मालूम चल रहा है कि जो लोगों की जो आध्यात्मिकता है वो इस आधुनिक दौर में भी बढ़ती चली जा रही है। ये देखिए आप, हर तरफ आपको महिलाएं दिखाई देंगी, पुरुष दिखाई देंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं। इस भीषण गर्मी के बीच में भी वो अपने गुरु के दर्शनों के लिए, गुरु के आशीर्वचनों के लिए, उनके द्वारा, उनके नेतृत्व में जो भंडारा हो रहा है उसको प्राप्त करने के लिए ये लोग आए हैं। अब हम आगे चलते हैं, मुख्य प्रांगण के बीचों बीच में आपको दृश्य दिखा चुका हूँ। अब मैं आ चुका हूँ जो यहाँ से जो सत्संग स्थल है, जहाँ से सदगुरु के वचन जो बोले जाते हैं, वहाँ के ठीक सामने हूँ।
हर तरफ लोग दिखाई देंगे, लाखों की तादाद में लोग उमड़ पड़े हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, न जाने कितने राज्यों से यहाँ पर जो जनता आई हुई है। 100 से ज़्यादा जोड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं सतलोक आश्रम इंदौर में, जहाँ पर आज इनकी दहेज मुक्त शादी होने जा रही है। सामूहिक शादी सम्मेलन है और इस सम्मेलन के अंदर, इस पूरे समारोह के अंदर 100 से ज़्यादा जोड़े परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे को अपना जीवन साथी मानने वाले हैं। अपने गुरु संत रामपाल जी के सामने, उनकी तस्वीर के सामने आज 17 मिनट का एक ऑडियो होता है पूरा, जो जिसको संत गरीबदास जी महाराज के अगर वचनों के अनुसार अगर हम देखें, उसको असुर निकंदन रमेणी कहा जाता है। और उस रमेणी की जो गुरुवाणी है उसको साक्षी मानकर आज ये जितने, ये 100 से अधिक ये जोड़े बैठे हुए हैं, ये आज एक दूसरे के होने वाले हैं। सबसे बड़ी खासियत की ये बात है कि इस पूरी शादी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई दान दहेज नहीं दिया जाएगा, न लिया जाएगा। साथ ही इसमें किसी भी प्रकार का जो आडंबर, जिसको इन अनुयायियों की भाषा में कहें आडंबर, जैसे ये कहते हैं कि बैंड बाजे आना और एक बड़ी सी बारात आना, हालांकि बारात तो यहाँ बहुत बड़ी है, ये जो पूरी जनता ये जो बैठी हुई है, ये खुद में एक बारात है, ये खुद में एक साक्षी हैं इस बात के कि ये जो 100 जोड़े हैं अपने गुरु के सामने एक दूसरे को अपना मानने जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ की ये बात बता दूँ, एक खासियत कि ये जो लोग हैं, जितने भी ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, किसी भी प्रकार का कोई भी पंडित नहीं आएगा, ना ही यहाँ पर कोई काजी आएगा जो इस पूरी शादी को करवाने वाला है। और ये जो पूरे जोड़े बैठे हुए हैं, इनमें तमाम जगहों से आए हैं, महाराष्ट्र से भी हैं, उड़ीसा से भी हैं, मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। और जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ, ये इस पूरे आश्रम के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महत्व वाली जगह है और ये उनके गुरु का स्थान है। हालांकि यहाँ पर संत रामपाल जी की तस्वीर लगी हुई है, लेकिन ये तस्वीर इन लोगों के लिए तस्वीर नहीं है, इन लोगों के लिए उनकी आत्मा है, उनके लिए परमात्मा है। और इस तस्वीर के माध्यम से ये जो लाखों लोग हैं, ये सामूहिक रूप से अनुशासित होकर ऊपर बैठ जाते हैं। ये कहते हैं कि ये सिर्फ आपके लिए तस्वीर होगी, हमारे लिए ये हमारे सदगुरु हैं, उनके वचन जो यहां पर बोले जाते हैं वो हमारे लिए पत्थर से भी ज्यादा मजबूत लकीर है। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि ये जो असुर निकंदन रमेणी, जिसको 17 मिनट की रमेणी कहते हैं, इस रमेणी के अंतर्गत इन सभी का विवाह होने वाला है, उसकी सीधी तस्वीरें आप हमारे ऐसी न्यूज पर देखेंगे। अब हम आपको जब ये रमेणी होने जाएगी तब आपको यहां की लाइव शूटिंग करके दिखाएंगे। अब ये असुर निकंदन रमेणी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। 100 से अधिक जोड़े दंडवत प्रणाम करके अपने गुरु को साक्षी मानकर एक दूसरे के होने जा रहे हैं। और ये जो पूरी जो परंपरा है, एक नई परंपरा है, और इस परंपरा का जो पालन है इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, देश भर की मीडिया यहाँ पर आई हुई है इस कवरेज को करने के लिए और ये देखने कि आखिर 100 से अधिक जो जोड़े हैं ये दहेज रहित होकर कैसे अपने आप को एक दूसरा मान रहे हैं, कैसे बिना अग्नि का जो 7 फेरे लगा बिना लगाए हुए ये एक दूसरे को अभी तक कैसे माने, कि भारतीय समाज की परंपरा खासतौर पर हिंदू धर्म की, कि जब तक अग्नि के 7 फेरे ना लगाए जाएं पुरुष और महिला एक दूसरे के नहीं होते। लेकिन आज यहाँ पर बिना, हालांकि यहाँ पर ज्योत जलाई जा रही है, संत गरीबदास जी महाराज की जो वाणी का जो जो उच्चारण है वो अब हो चुका है, और ये जो पूरी जनता है ये जो बैठी हुई है, और साथ में यहाँ पर गुरुवाणी का भी पाठ चल रहा है जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी मैं वहाँ पर भी आपको लेकर जाऊँगा, वहाँ की भी तस्वीरें आपको दिखाऊँगा, लेकिन उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण ये जो रमेणी होने जा रही है, ये जो शादियाँ हैं इनको हम आपको दिखा रहे हैं। शादी कर चुके इन जोड़ों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, और भी कई सारे जोड़े हैं इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रोहित। रोहित दास। कहाँ से हो? भोपाल। भोपाल से हो। सादा शादी की है, कैसा लगा? अच्छा लगा भगत जी। शादी की खुशी होती है लेकिन बिल्कुल सिंपल खुशी है ये तो? जी भगत जी, सिंपल खुशी है, हमारे मालिक की दया है। मालिक हमारे दहेज मुक्त विवाह कराते हैं, सारी सामाजिक कुरीतियों को बंद करके सादा सिंपल हमारी 17 मिनट की असुर निकंदन रमेणी होती है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की स्मृति होती है। क्या नाम है आपका? रितु दासी। कहाँ से हो? भोपाल से।
भोपाल से जी। भोपाल में मैंने शादियां देखी है जी। लाखों तामझाम किया जाता है, करोड़ों खर्च रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, जोड़ों पर ही खर्च कर दिए जाते हैं। आपने सिंपल शादी की, ठीक है, तमाम लोगों ने बताया, लेकिन आपकी जो दोस्त हैं और जो युवा महिलाएं हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये जो दहेज मुक्त शादी है ये एक सामाजिक परिवर्तन ला रही है, क्या कहेंगी? यही कि सामाजिक परिवर्तन ये ला रही है। और जिस तरीके से मेरी जो सहेलियां हैं उनकी मम्मी पापा किस तरीके से वो शादी करते हैं तो कर्जा ले लेके करते हैं, तो इस तरीके से इन चीज़ों से हम मुक्त रहते हैं। तो हमारे माता पिता को किसी चीज़ की दिक्कत नहीं रहती कि लड़की पैदा हुई है तो उन्हें बहुत दिक्कत होगी कि आगे चल के उनकी शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा लगेगा या ऐसा कुछ, तो इस सब चीज़ों से मुक्ति मिल जाती है। यही है हमारा। धन्यवाद। आइए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब वो स्थान जिसके बिना ये आश्रम अधूरा है, आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ पर चल रहा है दरबार साहिब में पाठ प्रकाश, और इसी पाठ प्रकाश की वजह से ही 3 दिवसीय ये प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। यहाँ पर पाठ प्रकाश हो रहा है, यहाँ पर जो ग्रंथ साहिब है उसका पाठन यहाँ पर हो रहा है, एक जो सेवादार हैं यानियों का प्रकाश कर रहे हैं यहाँ पर पढ़ा जा रहा है उनको, और चवर सेवा भी चल रही है। आइए अंदर की ओर चलते हैं, अंदर से आपको दिखाते हैं, साथ में एक और तस्वीर मैं आपको बगल से ही बिल्कुल दिखा दूँ। यहाँ पर जो यहाँ पर अनुयायी हैं उनके गुरुओं की तस्वीरें यहाँ पर लगातार लगी हुई हैं, जिसके कारण यहाँ पर आकर हर कोई नतमस्तक हो रहा है, दंडवत प्रणाम कर रहा है, और बगल से ही बिल्कुल दरबार साहिब लगा हुआ है। अब हम वहाँ पर चलते हैं और अंदर की तस्वीरें बताते हैं। यहाँ पर वाणी का प्रकाश हो रहा है, सदग्रंथ जो यहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज जो हरियाणा के हैं उनके द्वारा जो रचित है उसका पाठन हो रहा है। यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, सेवादार आ रहे हैं, चवर सेवा कर रहे हैं, जैसे तस्वीरें आपने गुरुद्वारे में देखी होंगी ठीक उसी प्रकार के तस्वीरें हैं। हालांकि कुछ बदलाव भी हैं इस पंथ के अनुसार, जो 13वां कबीर पंथ है यहाँ पर लोग आ रहे हैं, चवर सेवा कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर वाणी का प्रकाश हो रहा है। और आप ये देख सकते हैं ऊपर 625वें कबीर साहेब प्रकट दिवस के उपलक्ष में संत गरीबदास जी महाराज की अमरवाणी का अखंड पाठ जो 12 से 14 जून 2022 के बीच में हो रहा है, और यहाँ की आपने तस्वीरें पूरी देखी हैं। ऐसे न्यूज़ ने आपको हर पल के हर अपडेट और हर कोने की खबरें यहाँ से आपको दी हैं। बड़ा आयोजन है तो विशाल तैयारियाँ भी होंगी। आप देख सकते हैं सैकड़ों महिलाएँ यहाँ बैठ करके पूड़ियाँ बेल रही हैं, क्योंकि हज़ारों लोगों को खाना भी खिलाना है। हज़ारों लोग, लाखों लोग यहाँ पर दिनों दिन आते जा रहे हैं, और यहाँ पर जिस तरीके से तैयारियाँ चल रही हैं उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि 3 दिवसीय प्रोग्राम ये जो इनका हो रहा है संत रामपाल जी के नेतृत्व में वो कितना विशाल है, बेहतरीन है। देख सकते हैं यहाँ पर तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं, पूड़ियाँ बेल रही हैं, और एकजुटता के साथ संदेश दिया जा रहा है आध्यात्मिकता का। आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ खास तस्वीरें भी हैं यहाँ पर। खास तस्वीरों में से एक ये है कि आपने देखे होंगे पहाड़ बहुत सारे, लेकिन ये पहाड़ आपको बूंदी का दिखाई देगा, हर जगह आपको बूंदी दिखाई देगी। ये यहाँ का एक अहम प्रसाद है जो यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु जन आ रहे हैं इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद अपने परिवार जन के पास भी लेकर जा रहे हैं, जिससे कि उनको भी इस प्रसादी का लाभ मिल सके। यहाँ पर तमाम बाल्टियाँ रखी हुई हैं, उनमें खाना रखा हुआ है, और पूरे प्रांगण में जितना बड़ा इनका परिसर है उस परिसर में ये जो पूरा मटेरियल है जो खाने का जो भोज्य पदार्थ हैं उनको पहुँचाया जा रहा है। कभी किसी में आपको कढ़ी दिखाई देगी, और किसी जगह पर बूंदी भी होगी। यहाँ पर चावल हैं, रोटी है, तमाम सारे यहाँ पर पकवान बने हुए हैं। इस पार्टी में पूड़ियाँ हैं। और अब मैं आपको अपने आगे की ओर, मतलब के जहाँ पर जो भंडारा प्रसाद लिया जा रहा है, लोग भोजन प्राप्त कर रहे हैं, उस जगह पर लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए स्वच्छता के साथ और एक सामाजिक संदेश दिया जा रहा है कि हिंदुस्तान में अब एकता और भाईचारा बढ़ता चला जा रहा है। लोग एक साथ भोजन कर रहे हैं, लोग एक साथ भोजन कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का बैर नहीं है, किसी भी प्रकार के जाति और पंथ और धर्म मजहब अमीर गरीबी शिक्षा अशिक्षा और राग द्वेष जैसी तमाम तस्वीरें यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगी। यहाँ पर सिर्फ सामाजिक एकता का एक सूत्र में जिस तरीके से इनके संत ने और कबीर साहब जिस प्रकार का एक समाज चाहते थे उस समाज का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। क्या क्या है प्रसाद में? ये बूंदी है, और कली राम है, चावल राम है, और फुलका राम है। कैसा लगा, टेस्ट कैसा है? बहुत बढ़िया है। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? भिंड जिले से। भिंड से हो, और कितने लोग आए हैं?
बहुत से लोग आए हैं। बहुत? हाँ। कितने दिन रुकोगे? दो एक दिन आए हैं। तो आप ये देख सकते हैं, हर जिला आपको यहाँ पर मिल जाएगा, हर जिले से लोग मिल जाएंगे, हजारों लाखों लोग एक साथ बैठकर पूरे दिन भर से यहाँ पर भंडारा ले रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और अभी भी लगातार जो यहाँ पर जो सेवादार हैं वो सेवा कर रहे हैं, लोगों को भोजन प्राप्त करवाया जा रहा है, लोग भोजन ले रहे हैं। साथ में यहाँ पर जो तमाम बर्तनों की एक तरीके से मैं कहूँ तो यहाँ पर पूरी एक सेल लगी हुई है। हर तस्वीर अपने आप में कुछ अलग है और हर तस्वीर के माध्यम से ये पता चलता है कि वास्तविकता में एक नए समाज का गठन हो रहा है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई बैर भाव नहीं है। ज्योति जल रही है, अग्नि का लगभग हर धर्म में एक विशेष खास कहीं ना कहीं कोई स्थान है और वही खास स्थान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ज्योति लगाई गई हैं, बताया जा रहा है कि यहाँ पर 108 ज्योति लगाई गई हैं अलग अलग जगहों पर, उनमें से कुछ ये ज्योति रखी हुई हैं। तो आपने ये देखा ऐसे न्यूज़ के माध्यम से कि हमने आपको हर पल की खबरें यहाँ की बताई, हर कोना कोना आपको दिखाया, साथ में यहाँ की आपको सारी तस्वीरें दिखाई। इन तस्वीरों के माध्यम से आपने समझा कि दरबार साहिब पर किस तरीके की यहाँ पर तैयारियाँ हैं। साथ में आपने ये भी देखा कि रमेणी किस तरीके से हुई, रक्तदान शिविर की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, बाहर ट्रैफिक की भी व्यवस्था दिखाई, साथ में भंडारे का भी हमने आपको पूरा मुआयना कराया। तो मेरा नाम है पीयूष परमार और आप देख रहे थे ऐसे न्यूज़, सच जो आप जानना चाहते हैं।